तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, रिकॉर्डिंग ऑन है। जिसको कुछ पूछना है तो पहले पूछ लेना। बल और दाब, बल का मतलब होता है फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, और प्रेशर बोलते हैं दाब को। बल मतलब किसी चीज़ पे आप पुश करते हो, धक्का देते हो, तो उसको एक तरीके से सिंपल भाषा में बोल सकते हैं बल है। उसी का जस्ट अपोजिट अगर थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा ट्रिकी है कि दाब, किसी चीज़ का कितना दाब पड़ रहा है। कोई भी चीज़ अगर आप रखते हैं तो उसका एक वेट होता है, उसी को प्रेशर बोलते हैं। हमारी सब चीजों में एक प्रेशर होता है, जैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर भी होता है। तो ये सारा कंटेंट पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, और इन सब के बारे में तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, उसके लिए हम चलते हैं सबसे नीचे। सबसे नीचे अगर पढ़ोगे तो उसको पूरा इंडेक्स का जो एक निचोड़ है वो आपको दिया गया है, ताकि आसानी से जो चीजें हैं ऊपर में जितने भी डिटेल में बताया गया है वो सब आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले इसको देखिए, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडल में भी एक प्रेशर होता है जिसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जिसको एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। संपर्क बल ऐसा बल होता है जब किसी कोई दो चीज आपस में संपर्क में होती है और तब बल लगता है, तो उसको संपर्क बोलते हैं। जैसे कि जैसे क्या बताऊं आपको, कौन सा बल बोल सकती हूँ, हाँ घर्षण बल। घर्षण बल एक संपर्क बल है, क्योंकि जहां पे संपर्क टूट जाएगा वहां पे घर्षण बल काम नहीं करता है। दो सतहों के बीच में ये घर्षण बल काम करता है। इसके जस्ट अपोजिट एक और है, अघर्षण बल, सॉरी असंपर्क बल, पता नहीं लिखा है, यहां लिखा असंपर्क बल। असंपर्क बल वैसा बल है जहां पे दो लेयर के बीच में कोई एक तरीके से पूरा अटैचमेंट नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेना, जैसे दो चुंबक है और दोनों चुंबक आसपास अगर रखे हैं, तो थोड़े दूर से भी आप बिना छुए दूसरे वाले चुंबक को, पहले चुंबक से अगर थोड़ा सा उसको इधर उधर मूव करते हो, तो आप देखोगे कि जो रखा हुआ चुंबक है और आपके हाथ में जो चुंबक है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिना टच में आए, बिना छुए ही आपस में एक तरीके से कनेक्शन बना लेता है। तो इसी को बोलते हैं असंपर्क बल, जिसके कारण वो चुंबक बिना छुए ही आपस में सटने लगता है। दाब तो बता ही दिया, अभिकर्षण का मतलब होता है खींचना। एक जटिल वर्ड दे दिया गया है अभिकर्षण, बट सिंपल में बोलो तो खींचना। अपकर्षण का मतलब है धक्का देना। जब आप बक्से को धक्का देते हो तो वो अपकर्षण है, जब खींचते हो दरवाजे को तो वो अभिकर्षण है। हमारी पृथ्वी के पास भी एक बल होता है जिसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। घर्षण भी एक प्रकार का बल है, और चीजों को काम करने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। अगर आपकी साइकिल में घर्षण कम हो जाएगा तो वो जाम हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। दरवाजे में घर्षण कम हो जाएगा एक तरीके से, जब आप दरवाजा खोलते हो तो जाम हो जाएगा। तो ये सभी चीजें हैं यहाँ पे, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल गई। यहाँ पे देख लीजिएगा, बल किसे, बल क्या कहलाता है, बल धक्का देना या खींचना हो सकता है। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो बल क्या है, खींचना और धक्का देना ही बल कहलाता है। बल कब लगता है, जब दो वस्तुएं या दो लोग या कोई भी दो चीज आपस में संपर्क में आती है, दोनों के बीच में एक क्रिया होती है, काम होता है, तब बल काम करता है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी कि बल का एक क्वांटिटी भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसलिए बल को वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि बोलते हैं। सदिश का मतलब होता है वैसा राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। जब आप किसी चीज पे बल लगाते हो तो आप बोलोगे कि मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया, और बल किधर लगाए तो बल का एक डायरेक्शन भी होगा, नॉर्थ में लगा, साउथ में लगा, सामने लगा, किधर लगा बल। तो बल में क्या है, इसी को मैग्नीट्यूड बोलेंगे यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ साथ जिसको परिणाम बोलते हैं हिंदी में। डायरेक्शन का मतलब है आपने बता दिया कि कौन सी दिशा की बात हो रही है। दैट्स व्हाई बल जो है एक सदिश राशि है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। कोई भी वस्तु अगर उसकी चाल में परिवर्तन हो गया, चाल इट मीन्स कि अगर गति की दिशा में भी, मान लो नॉर्थ गति कर रही थी, साउथ में गति होने लगा, तो उसके जो इस तरीके चाल या गति या दोनों में अगर परिवर्तन है तो इसी को बोलते हैं कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी इसके मूवमेंट में, मोशन में किस साइड चल रही है उसमें परिवर्तन हो रहा है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ सम, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, किसी किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये बोलने का मतलब है, जब आप कोई भी बल लगाते हैं किसी भी वस्तु पे, मान लो, तो आप उस वस्तु की आकृति को, उसकी दिशा को, दशा को, उसका चाल चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेना, जैसे एक गुब्बारा रखा हुआ है, जब तक वो मोशन में नहीं है, तब तक गति में नहीं है, तब तक वो रखा हुआ है, चिपका हुआ है, चिपटे टाइप से पड़ा हुआ है। जैसे आप लेके उसको खींच करके फुलाना और उसके अंदर एयर डालना शुरू करते हो अपने माउथ के थ्रू, अपने मुख से, तो वो फूल जाता है। तो बल लगा करके कहीं ना कहीं आपने उसमें जब क्रिया की तो क्या हुआ, वो फूल गया, उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, यानी कि उसकी आकृति में, यानी आकृति पहले कैसी थी, चपटी थी, अब फूल गई। तो बल लगा के आप किसी भी चीज की दिशा, दशा और उसकी गति की अवस्था को भी बदल सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी, आप सबने साइकिल चलाई होगी, साइकिलिंग की होगी, अगर आप जब साइकिल चलाते हैं तो बल लगा रहे हैं, बट एट द अपोजिट कंडीशन जब आप साइकिल को रोकते हैं तब भी आप बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर
या संपर्क में आए बगैर हो सकता है। कहने का मतलब कि दो टाइप का बल हो सकता है, या तो आप किसी वस्तु के संपर्क में आए या तो किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आए। जैसे मैंने बोला संपर्क और असंपर्क बल, वही बोल रहा है कि किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना भी लग सकता है और साथ साथ नहीं आए बिना भी हो सकता है। एक चीज का डिफिनेशन हमेशा देता है, बहुत कंफ्यूज करता है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। यानी छोटा सा एरिया है मान लो, इस पे जो भी बल लग रहा है, जो भी प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगाओगे जो भी सामान, मान लो ये तुम्हारा सर है, सर पे तुमने 2 kg चावल रखा, तो वो जितना प्रेशर डाल रहा है दैट इज द जितना बल लगा रहा है वही आपका प्रेशर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 न्यूटन का बल लगाए हो तो उतना दाब डाल रहा है, लेकिन साथ साथ ये याद रखना कि एक एरिया भी होगा, कितने एरिया पे ये काम कर रहा है। आपका सर का एरिया अगर इतना है, एरिया पढ़े हो ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो ना लंबाई इंटू चौड़ाई, जितने जगह पे क्षेत्रफल का सीधा सा अगर डिफिनेशन किसी को नहीं पता है, तो कोई भी वस्तु जितना जगह घेरी है एक तरीके से उसका, जैसे मान लो ये पूरा है, इसके अंदर जितना भी जगह है, ऐसे तो सिंपल वर्ड में नहीं बोल सकते, अच्छा मान लो जो भी समझो आप एरिया, अगर जिन्होंने भी पढ़ा है, जितना भी एरिया है उस पर जितना भी बल लग रहा है उसी को हम दाब बोलते हैं। द्रव तथा गैस भी क्या करते हैं, दाब जब आप प्रेशर लगाते हो तो उसकी वजह से भी उसकी कंडीशन में चेंजिंग आता है। जैसे कैसे चेंजिंग आता है, जैसे मान लो पानी का कोई ग्लास है, ठीक है, पानी को थोड़ा सा भराया आपने, थोड़ा ज्यादा भरते जाओ तो कहीं ना कहीं वो अपना लेयर बढ़ा रहा है। साथ साथ जैसे गुब्बारे में पानी भर दो, उसको छेद कर दो, तो देखोगे और पानी भरते जाओ, जितना पानी भरते जाओगे उतना ही तेजी से वहां से बहना शुरू हो जाएगा जहां से छेद किया आपने। रास्तों पे देखे होगे कोई भी पानी का जो मतलब कभी कभी देखोगे पानी की पाइप फट गई होती है, थोड़ा सा फटा है तो उतना कम पानी निकलेगा, ज्यादा फट गया तो बहुत तेजी से पानी निकलता है, क्योंकि ये जो द्रव्य है जिस बर्तन में रखा जाता है उसके दीवार पे एक प्रेशर लगाता है, धक्का देता है उसको, इसी वजह से कोई भी चीज से पानी बहता है अगर वहां पे छेद है तो। एक पन्नी में पानी भर लो, वहां पे एक छेद कर दो, जितना छोटा छेद उतना कम पानी, ज्यादा छेद का मतलब है एरिया बढ़ा दिया आपने, इसका मतलब पानी भी ज्यादा निकलेगा, तो कहीं ना कहीं जितना प्रेशर लगता है उतना ही पानी फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और गैस का भी सेम कंडीशन है, गैस भी क्या करती है, जितना उसका जितना आप उसको जगह दोगे उतना ही वो दाब लगाएगी। इसी दाब के कारण हम सिलेंडरों में गैस भर के रखते हैं, दाब लगा करके उसको कंप्रेस्ड कर देते हैं, और सिलेंडर में जितना गैस भर के आता है वो कंप्रेस्ड होकर ही उसमें प्रेशर लगा के उसको स्टोर किया जाता है, और वो भी दीवारों पे एक तरीके से प्रेशर लगाता है बल, गैस भी। कैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे चारों ओर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे आसपास में हर जगह पे हवा प्रेजेंट है, आप सबको पता होगा एयर मौजूद है, बट एयर भी कहीं ना कहीं प्रेशर लगाती है और उस एयर के प्रेशर को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आप चले जाते हैं चैप्टर पे, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। आप नो मैम क्लियर करो ना, जब आप लोग नहीं बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे एक साइड से हम बोलते जा रहे हैं। वस्तुएं गति कैसे करती हैं, क्या आप बता सकते हैं? हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? कैसे आप पता करते हो कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? ये सब आप चीजें पढ़ चुके हो, फिर भी इसको यहाँ पे बताया गया है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद, जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है कभी कभी, यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। जब आप एक गेंद को फेंकते, थोड़ा सा देखना फेंकोगे जब, जब क्योंकि जब आप फेंके रहते हो तो थोड़ा सा तेजी से वो जाता है, एक गेंद है जैसे फेंकोगे वो तेजी से जाएगा, लेकिन धीरे 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 आकर के वो स्टॉप हो जाएगा गेंद, क्योंकि उसकी जो जितनी जो चाल थी वो धीरे धीरे कम हो गई तो वो रुक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो सकती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? कभी सोचे हो आप लोग? किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? आप सबको पता है कोई भी फुटबॉल का गेंद है, अगर आप उसको तेज गति से प्रहार करोगे तो स्वाभाविक बात है कि वो तेजी गति से जाएगी, आप धीरे से पुश करोगे उस पर तो धीरे से ही जाएगा। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? आप सबको इतना पता है एक गोली, गोली किसको बोल रहे हैं? जो फील्ड में एक ऐसा आदमी होता है, आप लोग देखे होंगे फुटबॉल का मैच अगर देखा होगा तो एक वहां पे गोल, आवाज नहीं आ रही आपकी इसमें, ठीक है, गोली गोल कीपर को बोलते हैं। फुटबॉल के मैदान में एक आदमी होता है, आप लोग देखे होंगे, जो कि कोई भी जो बॉल को हिट करता है, कोई भी प्लेयर अगर बॉल को हिट करके गोल करने की इस नेट पे मारने की कोशिश करता है तो एक इंसान होता है जो बॉल को नेट पे लगने से बचाता है। जैसे मान लो ये इंसान है,
कोई भी प्लेयर अगर गेंद को कब गोल किया जाता है, बॉल को कब गोल किया जाता है, जब एक बार नेट पे हिट किया जाता है, कोई भी फील्ड में जो खेल रहा है वो प्लेयर अगर उसको नेट पे एक बार मारता है तो एक गोल हो जाता है। और ये गोलकीपर क्या करते हैं, इस गोल को हिट होने से बचाते हैं, नेट पे लगने से बचाते हैं। तो इसी को गोली कहा गया है इस चैप्टर में, इस इंसान को याद रखिएगा। एक गोली यानी कि गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है, हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक यानी फील्ड में जितने भी फील्डर्स होते हैं, बल्लेबाज जिसको आप फील्डर्स बोलते हो, बल्लेबाज के द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकता है। जितना भी फील्डर्स होते हैं वो क्रिकेट के मैदान में, जैसे क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पे बीच में एक खेल रहा होगा, यहाँ पे इसके साथ एक प्लेयर होगा, एक गेंदबाज होगा, इसके चारों ओर जो भी फील्डर्स मौजूद होते हैं जिसको एक्स्ट्रा प्लेयर बोलते हैं, जो क्या करते हैं, गेंद को रोकते हैं बाउंड्री पे लगने से। आप सब थोड़ा बहुत क्रिकेट का नॉलेज होगा तो पता होगा कि जब कोई भी बल्लेबाज, जैसे मान लो महेंद्र सिंह धोनी ने बल्ले से बॉल को हिट किया, तो बहुत सारे वहां पे फील्डर्स मौजूद होते हैं जो जल्दी से कैच लेने की कोशिश करते हैं या बॉल को पकड़ के बाउंड्री पे लगने से बचाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कैसे रोकते हैं, कितना तेजी से वो दौड़ते हैं, जैसे जैसे बॉल दौड़ती है उसके पीछे बहुत तेजी से दौड़ते हैं, ताकि उसको एक एक रन मायने रखता है ना, क्योंकि एक एक रन से भी हार जाते हैं क्रिकेट में। तो उसको रोकने की कोशिश करता है फील्डर्स, जिसको क्षेत्र रक्षक बोला गया है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। जब बैट्समैन मान लो कि विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहे हैं तो अपने बल्ले से क्या करेंगे, गेंद को हिट करेंगे। तो एक बॉलर आया, बॉल फेंका, जिस गति से उसने बॉल फेंका था वो गति कुछ और थी, लेकिन अब बल्लेबाज ने, जो बैट्समैन था, उसने जितनी तेजी से बॉल को हिट किया, अब उसकी गति अलग होगी, होगी ना, उसका जो अभी जाने का स्पीड होगा वो अलग होगा। यस मैम। यस मैम। नहीं समझ में आए, हाथ रेज करके पूछ लीजिएगा। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है, इस अध्याय में हम इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सही बात है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है सारांश में कि क्या लिखा था, खींचना धक्का देना बल कहलाता है। बल अपकर्षण या अभिकर्षण हो सकता है, यानी खींचना या धक्का देना। अभिकर्षण को क्या बोलते हैं, खींचना, और इसको धक्का देना, दोनों में से दो वर्ड। क्या बोले, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। कुछ कार्य में ऐसे ऐसे कुछ काम है जहां पे इन सब कामों को आप करते हैं, जैसे उठाना, खोलना, बंद करना। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है आप सबको थोड़ा बहुत पता है। जैसे कि आप दरवाजा खोलते हो, ठोकर मारते हो किसी को, किसी को जोर से धक्का देते हो, तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कैसे गोली बॉल को बचा रहा है। हॉकी के मैदान में कैसे ये जो प्लेयर है अपनी हॉकी स्टिक से गेंद को तेजी से पुश कर रहा है, यानी मार रहा है, हिट कर रहा है, ये सभी बल के उदाहरण है। यहाँ पे देखो कैसे अपने बल को लगा के ये बॉल को रोकने का प्रयास कर रहा है, ये फील्डर है और ये भी बाउंड्री है, ये इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी देखिएगा, यहाँ थोड़ा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। कुछ कार्यों को अपकर्षण या अभिकर्षण के रूप में पहचानना, आपके लाइफ में बहुत सारा ऐसा काम होता है जहाँ पे आप खींचते हो या धक्का देते हो, उसके द्वारा किया जाता है। तो जैसे क्रम संख्या लिखी गई है, स्थिति का वर्णन दिया गया है, काम आपका दिया गया है, और काम में कैसे काम करते हैं, जैसे कि धक्का लगाना, देना, चयन करना, खींचना, उठाना, ये सभी एक तरीके से आपके काम है। कार को आप निम्नलिखित प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं, यानी धक्का देना और खींचना के द्वारा। मेज पे रखी गई पुस्तक को गतिशील बनाना, आप गतिशील बनाना है तो क्या करोगे, आप धक्का भी दे सकते हो, खींच भी सकते हो, उठा भी सकते हो। तो जब तक रखी थी तो वो गतिशील अवस्था में नहीं थी, लेकिन इन तीनों कामों को करने के बाद वो गतिशील अवस्था में आ गई, आई जी मैम। तो क्या यहाँ पे खींचे हो आप, बुक को खींचा है, हाँ खींचा है, धक्का दिए हो तो हाँ दिए हो, फिर दूसरा देखो, हाँ दो बताएंगे, बाकी आप लोग को करके भेजना है। दरवाजे को खोलना या बंद करना, दरवाजे को खोलते हो तो बंद करते हो तो क्या करते हो, धक्का देते हो, खींचते हो, खींचते हो, क्योंकि खोलना और बंद करना दोनों है। तो अपकर्षण होता है या अभिकर्षण होता है, दोनों होगा मैम, अपकर्षण भी अभिकर्षण होगा। बहुत अच्छा, भैया कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, आप क्या करोगे, पानी की बाल्टी को खींचना है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, क्योंकि बाल्टी को कुएं से पानी की बाल्टी को खींचने का काम किया गया है, ठीक है। क्या इसमें क्या होगा, खींचना या धक्का देना, इसमें क्या होगा, अभिकर्षण होगा, अभिकर्षण होगा, अभिकर्षण का मतलब खींचना ही होता है ना। एक दो काम ऐसे ही दिया गया है, जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी किक लेना, तो ये क्या करता है,
धक्का देता है कि खींचता है? खींचता है। वो तो उस बॉल को हिट करता है ना बेटा, वो तो बॉल को हिट करता है, धक्का देता है, धक्का देना होगा। हाँ चलो ठीक है। उसके बाद अभिकर्षण, धक्का देना अभिकर्षण या अपकर्षण, जल्दी बोल। अपकर्षण होगा। यहाँ पे ये दो बचा है, ये आपको करना है, इतना समझ गए हो? यहाँ पे देखिए, अभिकर्षण यानी कि खींचना, अभिकर्षण यानी कि खींचना, यहाँ पे देख लेना अभिकर्षण और अपकर्षण क्या भरे हो आप। अभिकर्षण का मतलब है खींचना, यहाँ पे खींचना सही है, खींचना सही है। अपकर्षण यानी धक्का देना, चलो ठीक है। अपकर्षण का मतलब है धक्का देना और अभिकर्षण का मतलब है खींचना, अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक काम को आप खींचने अथवा धक्का देने के द्वारा कर सकते हो। हम इसे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है, ठीक है। विज्ञान में, साइंस में, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव को ही हम बल कहते हैं। सिंपल भाषा में आप बोलो कि बल किसे कहते हैं, तो धक्का देना या खींचना ही बल कहलाता है। मैम कुएं से पानी खींचना, हाँ। मैम उठाना भी तो हो जाएगा ना, उसमें दोनों आ जाएगा, जैसे कि हम खींच रहे हैं, मतलब दोनों बल है, ठीक है। खींचना या धक्का देना दोनों की प्रोसेस में क्या है ना, बल काम करेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अभी जितना भी काम किए हो, उस काम को खींचना या धक्का जहां पे भी काम कर रहा है, समझ जाना कि बल काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी काम अगर आप किए हो, कार्य कैसा होता है, किसी काम में धक्का देना पड़ता है, किसी कार्य में आपको चयन चुनना पड़ता है, जैसे चावल से कंकड़ ईंट निकालते हो, खींचते हो, ठोकर मारते हो, इस तरीके का ये सब क्या है, देना, ये सब काम है। और इस तरीके का काम अगर क्या बोले, काम है बल की मतलब माध्यम से हम करते हैं, हाँ, वहां पे वो प्रोसेस काम करेगा, खींचना या धक्का देना। तो उसी को बोला गया है, जब आप किसी की भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को महसूस करते हैं, तो आप समझ जाइए कि बल काम कर रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। अगर कोई भी वस्तु को गति अगर आप दे रहे हो, तो समझ क्यों गति, गति में क्यों आया, कोई भी चीज गति में कब आता है, जब आप इसको धक्का देते हो या खींचते हो। लेकिन कब लगता है बल, वस्तु पर बल कब लगता है, इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा। चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव अभिकर्षण है? जाहिर सी बात, खिंचाव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आप लोग को पता है? आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होगा, बोलो? असमान ध्रुवों के बीच क्या होगा? असमान में विकर्षण हो जाएगा। फलक आप बताइए तो क्या होगा समान ध्रुवों के बीच? चुंबक का जो समान ध्रुव होता है क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है या विकर्षित करता है? मैम विकर्षित करता है। पहले तो तुम सही बोले थी, फिर क्यों गलत बोल रही हो नहनाज? चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित नहीं करता है, और समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल से अटैच्ड होगा। चुंबक का जो समान ध्रुव होता है, जैसे मान लो ये चुंबक है मैंने बनाया, और इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दूसरा चुंबक ये है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये इसका पोल है। चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चुंबक का दो पोल तभी एक दूसरे को आकर्षित करेगा जब इसका नॉर्थ साइड तुम इसके साउथ से अटैच करोगे। मैम जब विपरीत दिशा में होगा, जब विपरीत करेगा, और जब अपोजिट होता है तो आकर्षित करता है। तुम लोग आगे पढ़ो, पीछे बन जाओ। और इसका जो सेम अगर पोल आ गया, अपोजिट वाले में अट्रैक्शन है, सेम वाला रहेगा, तो वहां पे प्रतिकर्षण काम करेगा, ठीक है। दिमाग को खोल के रखा करो, ऐसा नहीं कि आगे पढ़ो पीछे भूलो। यह खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का है, क्या है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है? जब आप चुंबक का यूज करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ले लो, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, यानी दो वस्तुओं के बीच जब क्रिया होती है। तो मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, ये कार है जो स्टेबल है, आराम से रुकी हुई है, और एक आदमी खड़ा है, क्या उसकी स्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण कार में गति आ जाएगी? मान लो कि ये सिर्फ आदमी खड़ा है और ये कार भी स्थिर है, तो इस आदमी के खड़ा होने मात्र से क्या इस कार की गति में चेंजिंग आ जाएगा? नहीं। मान लीजिए कि अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, तो क्या होगा, गति आएगा थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ होगा,
ये बात बोल सकते हो कि मैम इसका वेट ज्यादा है इसका वेट कम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इधर उधर मूवमेंट होगा जब वो ज्यादा धक्का लगाएगा तो। अर्थात वह इस पर बल लगाता है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। जब ये आदमी, कई बार देखोगे कि कोई कार रुकी पड़ी है तो अगर आप उसको थोड़ा धक्का दे देते हो तो फिर से गति में आ जाती है। तो ये अगर थोड़ा देर धक्का लगाएगा ये इंसान इस कार को तो फिर से ये मूवमेंट में आ जाती है, गति करना शुरू कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस इंसान ने यहाँ पे इस पे बल लगाया है। देखे हो ना, टीवी में भी देखे होगे, सीरियल में भी थोड़ा सा धक्का देते हैं कार। देखो दूसरी, पहले पोजीशन में बेचारे ये सिर्फ खड़े हैं, स्टैंड है, बस सेकंड पोजीशन में इन्होंने इसको धक्का दिया। यहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इससे धक्का लगाते रहना होगा। जब धक्का लगाते रहेगा थोड़े सेकंड के लिए तब वो फिर से गति में आ जाए। ऐसा देखे होगे आप सब। यहाँ पे देखिए एक इमेज, हालांकि इसके बारे में ऊपर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो और बताओ कि कौन किसे धक्का दे रहा। मान लो ये सपना है और ये मीनू है, कौन किसे धक्का दे रहा है? दोनों एक दूसरे को यहाँ धक्का दे रहे हैं, धकेल रहे हैं, है ना? ठीक है, समझ में आ गया फाइनली। यहाँ पे तीन कंडीशंस दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तीन स्थितियां दी गई हैं जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे, हमने अपनी लाइफ में इस तरीके का कंडीशन देखा है। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन किसे खींच रहा है और कौन किसे धक्का दे रहा है? ए में देखो, मान लो ये मेहनाज है और ये सपना है, अब बताओ कौन किसे धक्का एक दूसरे को खींच रही है। तो दोनों एक दूसरे को किधर खींच रही है, अपनी ओर या दूसरे की ओर? अपनी ओर। बहुत अच्छा, यहाँ पे देखो लिख दिया है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि बी में लड़कियों का युग्म है, वो पता नहीं, आई थिंक वो नीचे होगा, वो वाला है जो आप अभी देखे हो कि लड़कियों का युग्म है, एक पेयर है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ही जोर से धक्का दे रहा है, अपनी ओर नहीं खींच रहा है, अपोजिट, एक दूसरे को दूसरी ओर। जैसे मान लो ये लड़की है तो इधर फोर्स लगा रही है और ये इधर फोर्स लगा रही है, क्योंकि अभी इसे झगड़ा करना है। ऐसा ही ना होगा, हम तुमको मारेंगे ताकि तुम गिर जाओ। तो दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएंगी तभी ना दूसरा बंदा गिरेगा जाके फर्श पे। तो ये धक्का लगा रही है, धकेल रही है एक दूसरे को। वही बोला गया है कि लड़कियों का जो युग्म है एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है इस युग में। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरे को खींचने का ये लोग प्रयत्न कर रही है। सॉरी एक मिनट देखती हूँ, यहाँ पे ए है, ध्यान से देखिएगा, अपोजिट मसल, वो जो दो लड़की थी वो खींच रही है, वो दोनों एक दूसरे को खींच रही है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट काम कर रहा है, आगे की ओर अपना धक्का दे रही है, मतलब ये और वो पीछे की तरफ रही है, जो कि यहाँ पे देखोगे आप इसके बारे में लिखा है कि ए में क्या हो रहा है कि कौन किसे खींच रहा है। तो ए में क्या करे कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि एक लड़की दूसरे को उधर सामने वाले डायरेक्शन में धकेल रही है, जबकि बी वाले कंडीशन में ये इसकी बात कर रहा है कि लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरे को खींच रही है, ए में धक्का दे रही है। तो आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ए था इमेज, ए था, ये बी है, थोड़ा ध्यान रखना। इसी प्रकार सी में देखो, गाय तथा आदमी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी इस गाय को खींच रहा है, लेकिन ये जो गाय है ये इसने पिंड छुरा के भागना चाहती है, तो ये भी तो अपने आप को खींच रही है, ये आदमी इसको खींच रहा है, लेकिन गाय बेचारी खुद को खींच के भागना चाहती है। आदमी और गाय एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं, जाहिर सी बात है ये भी खींच रहे हैं गाय को, तो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि मैं पीछे की ओर आ जाऊं, इधर आ जाऊं, गाय की ओर थोड़ी भाग रहे हैं, और गाय भी चाह रही है कि मैं भी पीछे चली जाऊं ताकि इसके हाथ से छूट जाऊं और भाग जाऊं, तो ये पीछे की ओर आ रहे हैं, यानी कि खींचते हुए प्रतीत होते हैं। यहां पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है कि दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही हैं? दोनों लड़कियों वाला जो बल था, दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही थी, और यहाँ पे इसमें बताओ कैसा काम हो रहा था? इन उदाहरणों में बल लगा रहे हैं ना? यस मैम। इन उदाहरणों से हम क्या बोल रहे हो, कोई बोलो। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया का होना आवश्यक है, यानी पारस्परिक क्रिया का होना आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। जब दो चीजें एक दूसरे पे बल लगाती हैं तभी कहीं ना कहीं बल लगता है और गति में चेंजिंग आता है, उनकी जो दिशा है उसमें चेंजिंग आता है, उनकी स्थिति में चेंजिंग आता है।
बलों की खोजबीन। अब आपको पता तो चल गया बल होता है, कोई भी काम कर रहे हो, खींच रहे हो, धक्का दे रहे हो, बल है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बलों की खोजबीन का मतलब अब आपको पढ़ना है कि बल क्या है, बल कहां पे है और कौन कौन सा बल है। अगर बल है तो कौन कौन सा बल है। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, इसे अपनी ओर धकेले पर ही गति में ला सकते हैं। जैसे भारी संदूक या मेज रखा है, जब आप इसे जोर से धकेलोगे तभी आप इसे गति में ला पाओगे। इसे जोर से धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अगर थोड़ी हल्की होगी तो आप खिसका सकते हो। अगर बक्सा भी तो डिफरेंट डिफरेंट वेट और साइज का होता है, अगर थोड़ा लाइट वेटेड है तो आप उसे, जैसे आपकी बॉडी के अंडर वेट में आ जाएगा वो, तो आप उसे धक्का दे पाओगे, खिसका पाओगे। जैसे आपका वेट 45 किलो है और 60 किलो का बक्सा रखा है तो आप खींच पाओगे, धक्का दे पाओगे? नहीं, क्योंकि वो है। लेकिन अगर वही आपकी वेट 45 है और वो 30 केजी का है तो आप थोड़ा सा धक्का और खिसका भी सकते हो। ध्यान देना बल पे क्या बोल रही हो। अकेले तो मान लो ये भारी सा संदूक है, यहाँ सिचुएशन देख लेना, सिचुएशन ही दिखा देती हूँ। ये बेचारा अकेला रह करके इसको नहीं खिसका पा रहा था, क्योंकि बेचारा दुबला पतला लग रहा था। देखो ये कहाँ कितना भारी बक्सा, ये बेचारा कितना सूखा हुआ, इसको अकेले नहीं धक्का दे पा रहा था। तो इसने बोला और एक और अपने मित्र को बुला लिया, अब इन दोनों का जो वेट है टोटल वेट मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही साइड से धक्का दे रहे हैं, सेम डायरेक्शन से, एक दूसरे दोस्त दोनों सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं और इधर बल लगा रहे हैं। तो क्या ये बक्सा खिसकेगा? Yes, अब जो है दोनों मिलके बल लगा रहे हैं, तो मान लो इनका वेट 45 केजी है और उनका भी 45 केजी है, और इस बक्से का वेट इस 45 प्लस 45 यानी 90 केजी के अंडर में है या 90 तक है, तो ये इसको धक्का दे पाएंगे या खिसका पाएंगे? ठीक है। Yes, और एक चीज तो ये हो गया, ये इन्होंने सेम डायरेक्शन में धक्का दिया तो इन्होंने धक्का दे पाना संभव हो गया और ये खिसक गया। दूसरी स्थिति देखो बी वाले में, कि अब ये जो मान लो इधर कोई है, राम है और रहीम है, जो भी बोलो, श्याम वाम जो भी समझ लो, मान लो दो बच्चे हैं और एक इधर धक्का दे रहा है इसको, फिर दूसरा वाला इधर आ गया और दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने की ओर मूव करना चाहते हैं, अपोजिट धक्का दे रहे हैं, अपोजिट ही तो धक्का दे रहे हैं ना दोनों एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या होगा, खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, क्योंकि एक जिसका बल जो ज्यादा बल लगाएंगे तो खिसकेगा। मैंने अभी तुरंत पहले कंडीशन में सपना बोला कि दोनों का वेट 45 केजी है। अच्छा जी जी, तब वो नहीं खिसका पाएंगे। अगर मान लो एक साइड दोनों दो लड़कियां रहे, आप लोग में से कोई एक दो ही ले लो और जिनका वेट इक्वल हो तो वो नहीं खिसका पाएंगे। किसी का वेट कम हो और ज्यादा हो तो ज्यादा वाली जो है धक्का देके कम की ओर खिसका देगी। एक और कंडीशन आएगा और आसानी से समझ पाओगे कैसे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे पढ़ लो, अब अपने मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने की के लिए सहायता करें। एक मित्र को बोलो कि आप भी चाहते हो कि आप साथ में आ जाए और सेम डायरेक्शन में धकेले। क्या अब इसको खिसकाना आसान हुआ? यस, आप आसानी से उसको आप खिसका सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं। ये पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जो बल है दोनों मिलकर बल लगा रहे हैं, पहले अकेला लगा रहा था, फिर से अपने उसी मित्र को उसी वस्तु को धकेले, लेकिन इस बार क्या करना है, मित्र से कहिए कि उसे विपरीत दिशा में धकेले। यानी कि एक लड़का इधर धकेलेगा, अपोजिट ही तो धकेल रहा है ना, इस वस्तु को किधर धकेल रहा है, ये इधर धकेल रहा है और इधर धकेल रहा है, तो अपोजिट ही धकेल रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? नहीं। यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। दो तीन कंडीशन बनेगा, बहुत सारा कंडीशन बनेगा, बताते हैं क्यों। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? जैसे सपना ने बोला कि अगर मैंने जैसे कंडीशन दे दिया कि 45 किलो वेट है, पहले कंडीशन ये है, याद रखिएगा, जब ये दोनों साथ में आ गए, साथ में आकर के आपने फोर्स लगाया तो ये खिसक गया। दूसरी कंडीशन है विपरीत दिशा में थे तो क्या खिसका? नहीं खिसका। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है क्योंकि दोनों का वेट साथ है, समान है वेट। तीसरी कंडीशन ये होगी, जैसे लास्ट वाली लाइन में बोला है, जैसे सपना ने बोला हाँ मैम खिसकेगी, तो यहाँ एक चीज चेंज कर देती हूँ ध्यान से। मान लो इसका वेट 60 केजी है और इसका वेट 90 केजी है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे की ओर धकेल रहे हैं, तो अब बताओ ये बक्सा किधर जाएगा? इधर आ जाएगा, 60 वाले की तरफ, क्योंकि इनका बल ज्यादा है और इन्होंने इस पे बल लगा दिया, इस इधर साइड बल लगा दिया, इसलिए बक्सा खिसक के इधर आ गया, है ना? ठीक है। तो क्या होगा, आप एक चीज, ये तीसरी सिचुएशन याद रखिएगा, ठीक है। और कहने का मतलब तीसरी कंडीशन ही तो बनेगी ना, और कुछ बनेगा क्या? नहीं, तीसरा ही बनेगा। और जिसका एक और बन सकता है, मैं हाँ बोलिए, जिसका कम अगर मैम अगर मतलब ये वेट इक्वल हो और जो ज्यादा बल अगर लगाएगा एक दूसरे की अपेक्षा, तो
ये भी तो चेंजिंग हो जाएगी मैम उसके डायरेक्शन में, जैसे मान लो बल इक्वल हो। हाँ हाँ बल इक्वल है, जैसे हम 40 kg के हैं हम लोग दोनों, मतलब दो लड़कियां हैं हाँ। और उनके बल पर डिपेंड करेगा मैम कि कौन कितना एफर्ट लगा रही है वहां पर। हाँ कि कौन कितना बल लगा रहा है ये उसी पे डिपेंड करेगा खींचना या धक्का देना। लेकिन ऐसा एक और कंडीशन बन सकता है, सपोज डेट मान लो कि ये भी इधर से अपोजिट डायरेक्शन से ही, यहाँ तो दोनों ने साथ लगा लिया। अब इसी वाली कंडीशन को फिर से लिख लो, 45 kg ये भी है बेचारे और 45 kg ये भी है, तो क्या अब ये अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। तो तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है जब इक्वल वेट हो तो, ठीक है तीन कंडीशन बना। उसके अलावा भी बन सकता है जैसे कि नहीं तीसरा तो और कुछ मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बनेगा, बनेगा तो आप लोग बता देना। दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हैं, एक ही दिशा में पहले देखे और फिर दूसरी दिशा में देखे, उसके अलावा कुछ नहीं था। इस खेल में दो टोलियां एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती हैं, एक खेल है आगे देखते हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्सी को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं, इस तरीके का रस्सी खेल आपने देखा होगा। कभी कभी रस्सा बिल्कुल ही नहीं खींचता, कभी कभी। अब ऐसी थर्ड कंडीशन को उन्होंने समझाया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि इक्वल हो जाएगा, मैंने यही लिख दिया था ना यहाँ पे कि इक्वल हो जाएगा तो नहीं खिसकेगा। अब इसी को इन्होंने इस तरीके से समझाया है, दोनों का वेट इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति आई जब ये जो रस्सा कसी का खेल चल रहा है, ये जो बाउंड्री लाइन बीच में खींची हुई है, ये इधर भी तीन, लेकिन वेट किसका क्या है वो हमें नहीं पता है। तो कभी रस्सी इधर चली जाती है, कभी रस्सी इधर चली जाती है, ऐसा क्यों? और दोनों अपने साइड खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है बता सकते हो? दोनों बराबर होंगे। यस मैम, दोनों का वेट बराबर है, वेट बराबर होता है और जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी इक्वल हो जाता है मैम, इसलिए रस्सी रुक जाती है बीच में। हाँ रस्सी बीच में रुक जाती है और वो इधर उधर मूव नहीं करती, एक कंडीशन ये बन गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? इन्होंने बोला कि एक ऐसी स्थिति आती है जब रस्सी कभी इधर साइड घिसक जाती है, यानी इधर ये लोग खींच लेते हैं और इधर इधर कभी ये लोग खींच लेते हैं, लड़के अपनी ओर खींच लेते हैं, लड़कियां अपनी ओर खींच लेती हैं। और ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो मान लो इन लड़कियों ने ज्यादा लगा लिया बल तो ये अपनी ओर खींच लेंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि ये खेल तो इसी तरह होता है ना, जो अपनी ओर खींच लेता है वो जीत जाता है। अगर सपोज डेट लड़कों ने अगर मान लो इसको अपने साइड खींच लिया, तो लड़कों ने ज्यादा बल लगाया तभी तो रस्सी को खींच लिया, यानी पूरी रस्सी को अपनी ओर खींचने का मतलब इन तीनों के वेट को खींच लिया इधर, तो इन्होंने ज्यादा लगाया फोर्स तभी ये खींच पाए, तो ये जीत जाएंगे, यही होगा कंडीशन होगी ना? जी मैम। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात जो ज्यादा बल लगाती है, अंत में वही खेल में जीतती है या विजयी होती है। ऐसा हम लोगों ने इस तरीके का खेल मूवीज में देखा होगा, या कभी आप लोगों ने इस तरीके का खेल अपने आसपास नुक्कड़ नाटक में भी देखा होगा। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए मैंने बोला आपस में जब दो लड़के एक साथ मिलकर फोर्स लगा रहे थे तो उनका जो बल है वो जुड़ जाता है, एक साइड जब आप लोग बल लगाते हो दोनों मिलके तो वो कंबाइन होकर जुड़ जाता है। स्मरण कीजिए कि 8.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? सेम डायरेक्शन में धकेले थे तो ये मूव करके इधर खिसक गया था, हुआ था ना जी बक्से में मूवमेंट। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर होता है जब दो बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, जैसे ये 60 kg का है और ये 50 kg का है, तो दोनों के अंतर के बराबर होगा, यानी 10 kg के बराबर होगा, यानी टोटल बल बस 10 ही का काम करेगा। लेकिन खिसकेगा किधर आप लोग जान रहे हो, यही इसको समझाया गया है कि कुल बल जो होगा नेट बल वहां पे दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। क्रियाकलाप 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? स्मरण कीजिए कि रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा रही थी तो लगाकर खींचती हैं तो रस्सी किसी भी दिशा में नहीं जाता। जब बराबर बल हो जाता है यानी 2 = 2 = 2 हो जाएगा तो रस्सी ही नहीं मूव करेगी, ठीक है। इस प्रकार हमने सीखा कि बल एक बल दूसरे से बड़ा दूसरे से छोटा या बराबर हो सकता है, यानी कि अगर बल है तो बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, होगा ना जी? यस मैम, होगा। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है, बल की जो प्रबलता है वो उसके परिमाण यानी कि जितना मैग्नीट्यूड है जितना मान है उसका उससे मापा जाता है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य कर रहा है, क्योंकि बल में दिशा भी होती है। आपको ये बताना यहाँ पे ही संदूकों ने काम किया, बच्चों ने बल लगाया तो एक दिशा थी, इससे ही समझ जाना कि बल कैसी
क्वांटिटी है। आगे पूछता है चैप्टर, बहुत सारे बीपीएससी में पूछा था इनमें से कौन दिया हुआ सदिश राशि है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन में। हाँ, सदिश और अदिश राशि का पूछता है मैं। हाँ, कौन सी सदिश राशि है? एक छोटा सा ट्रिक मेरे को पता है, जहाँ पे वो आता है, वो का प्रोनाउंसिएशन आता है, वो सदिश होता है, सदिश राशि होती है। हाँ, सदिश होता है, बाकी सब अदिश होते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अपवाद हर जगह है। आगे देखिए, यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। जाहिर सी बात है, आप दिशा बदल दीजिए, यहाँ पे आपने बच्चे की दिशा बदल दी, अपोजिट कर दिया, तो उसका परिणाम भी बदल गया, यानी वेट अब इधर आ गया और दिशा भी बदल गई, तो दोनों बदल जाएगा। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल भी शून्य होगा? जाहिर सी बात है, अगर दो बल, दो न्यूटन इधर लगा रहे हो और दो न्यूटन, न्यूटन मैं क्यों लिख रही हूँ, केजी नहीं लिख रही हूँ, इसके पीछे रीजन है बता देंगे, तो ये दो न्यूटन, दो न्यूटन इक्वल हो जाएगा, मात्रक है न्यूटन। हाँ, तो इसलिए ये जब बराबर हो जाएगा तो वस्तु है, जैसे मान लो एक बक्सा है, तो उस पर कोई बल काम नहीं करेगा क्योंकि नेट बल जो है आपका टोटल बल शून्य हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। और ये कब? विपरीत दिशा में नेट बल शून्य हो जाएगा। यही कारण है कि अगर 45 kg इक्वल हो गया था तो इसमें नेट बल जीरो काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये बक्सा मूव नहीं किया। समझ में आया सबको? एवरीवन? यस यस मैम। यहाँ इसको मैंने समझाया, मान लो 3 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, तो इसका डिफरेंस 1 न्यूटन आया, यानी जो बड़ा होगा वो अपने तरफ चीजों को खींच पाएगा। यहाँ पे भी देखो 1 न्यूटन का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर ये तो छोटा वाला ढक ही जाएगा क्योंकि बड़ा वाला अपनी ओर खींच लेगा, और जहां पे बराबर हो उसको नेट बल वहां पे जीरो लगेगा और वैसी स्थिति में वस्तु पे कोई भी एक्शन नहीं होगा, यानी मूवमेंट ही नहीं होगा। सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं। एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक ही वस्तु पर एक से अधिक बल काम कर रहा होता है, तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है, और इसका जो भी प्रभाव है वो नेट बल के कारण ही होता है। हालांकि वस्तु पे अधिक बल काम करता है लेकिन प्रभाव वही उत्पन्न होता है जो टोटल बल होता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ये आप लोग देख भी चुके हो, लेकिन इस चीज को और इन्होंने समझाया है। जैसे कैसे समझाया है, थोड़ा ज्यादा लेंदी ना करते हैं चीजों को। जैसे मान लो कि कोई रबर की गेंद लीजिए और इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए, क्या गेंद में गति आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? होगा, या बढ़ती है या घटती है? जब धक्का दोगे तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए तो क्या होगा? रुक जाएगा बॉल रुकेगा कि नहीं रुकेगा? आपका जो गेंद है रुकेगा। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। जैसे मान लो ये गेंद बेचारी गति करते करते यहां तक आ रही थी, आपने अपना बीच में हैंड लगा दिया, हैंड लगा लिया और इसको रोकना चाहा, थोड़ा देर जैसे पास आई, आपने बस ये जैसे आई यहाँ पे, आपने यहीं तक फिर हाथ हटा लिया, तो क्या होगा? वो गतिशील रहेगी या रुक जाएगी? रुक जाएगी। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? जाहिर सी बात है, अगर रुक गई है तो कोई ना कोई बल लगा रही है, तभी तो रुकी है। क्या यह बढ़ती है या घटती है? तब उसकी गति बढ़ती है या घटती है? घट जाएगी। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा? उसका गति रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक बॉल आ रही है और इनको हैंड से रोका गया है, गतिशील अवस्था में थी, जब तक बॉल दौड़ रही थी वो गतिशील अवस्था में थी, हाथ लगा के आपने उसकी गति को रोक करके उसे विराम अवस्था में ला दिया। विश्राम अवस्था भी लिखते हैं कहीं और विराम अवस्था लिखते हैं। विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वो गतिशील हो जाती है। सपोज इट, मान लो दो कंडीशन हो सकता था इमेज के थ्रू, अगर आपका आप अपने हाथ में गेंद लिए हो तो इसको धक्का देके इसको गतिशील अवस्था में भी ला सकते हो, जैसे हम खेलते हैं गेंदों से। तो यहाँ पे क्या किया गया है, विराम अवस्था से इस गेंद को गतिशील अवस्था में लाया गया है। आप इस प्रकार अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। पेनाल्टी किक लेते समय क्या होता है ना, जो हॉकी का प्लेयर है वो बॉल को तेजी से मारता है तो वो गेंद पे बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी। जब किक लगाता है ना तो ऐसे हॉकी का जो स्टिक होता है आप देखे होंगे, तो यहाँ पे ऐसा बना होता है जिसके अंदर जो गेंद है ना रुक जाता है, ऐसे करके रुकने वाला बना होता है, डबल लेयर होता है पकड़ने में। और जैसे यहाँ पे गेंद इसके अंदर आती है वो रोका रहता है, और क्योंकि इस हॉकी स्टिक के पास होती है ये गेंद, और ये जिस प्लेयर के हाथ में होता है उसको हिट करने से पहले ये विराम की अवस्था में होता है। आपने हॉकी का खेल देखा होगा तो देखा होगा, एक इमेज था, दिखा देते हैं ऊपर में। ये मान लो कि अब इसको ये बॉल को हिट करना है, इसको पेनाल्टी किक बोलते हैं, किक लगाना। तो ये किक लगाने से पहले थोड़ा सा रुका रहता है और फिर तेजी से मारता है, देखे होगे ना? जी बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो वही बोला इन्होंने कि पेनाल्टी किक लेने से पहले गेंद जो थी विराम की अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। पहले इसकी चाल क्या थी? शून्य थी, बिकॉज ये विराम की अवस्था में थी।
लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान कर दी, यानी गोल पोस्ट की ओर जो नेट था उधर गति प्रदान कर दिया। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। गोली मतलब वो जो गोल कीपर होता है क्या करता है, गोल को गोल होने से बचाता है, बॉल को गोल होने से बचाता है, यानी नेट पे लगने से बचाता है, क्योंकि उसका वो काम होता है। तो अब उस क्या करेगा, कैसे रोकेगा? मान लो किसी प्लेयर ने तो हिट कर दिया, एक नंबर का प्लेयर है उसने हिट कर दिया, तब ये गोल कीपर क्या करेगा, उसको रोकने के लिए बॉल की ओर झपट्टा मारेगा या उस पर उछलेगा ताकि बॉल नेट पे ना टच हो और इस खिलाड़ी को एक पॉइंट ना मिले। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है, गोली यानी कि गोलकीपर, क्षेत्र रक्षक बोलते हैं। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है, या तो वो डायरेक्ट जाके उसको रोक लेगा पकड़ के, या तो किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज देगा, यही करेगा ना, और कुछ तो कर नहीं पाएगा। इस तरीके का आप क्रिकेट में भी देखे होंगे कि जैसे विराट कोहली बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो जो फील्ड में फील्डर होता है या तो कैच करने की कोशिश करता है, एक बार में कैच करके वो डायरेक्ट बॉल को रोक लेता है, अपने पास ले लेता है, या तो कभी कभी उछल के जब जंप करके उसको बचाने की कोशिश करता है बाउंड्री पे लगने से, तो कई बार बॉल और जंप करके दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है या बाउंड्री पे चली जाती है, ऐसा होता है। यस मैम, होता है। यस मैम। और गोल होने से बचा सकता है। इसी तरीके से गोलकीपर भी क्या कर सकता है, या तो उसे रोक लेगा या विक्षेपित कर देगा, दूसरी डायरेक्शन में हटा देगा। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है, अगर रोक पाता है तो चाल पहले जो थी अब वो शून्य अवस्था में आ जाता है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो तो वस्तु की जो चाल बढ़ जाती है। अगर कोई भी बल है वो गति कर रहा है और उसी की चाल उसके सेम डायरेक्शन में हो तो उसकी गति बढ़ जाती है, ठीक है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा में के विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे बॉल किसी ने फेंका और उस उधर सेम डायरेक्शन से ही आपने उसको स्पीड से मूव करने की कोशिश की, हिट करने की सेम चाल से, तो ये इधर जाके और तेजी से इसकी गति तेज हो जाएगी। लेकिन क्षेत्र फील्डिंग में क्या होता है, या गोली लोग क्या करते हैं कि गोल के जस्ट अपोजिट में काम करते हैं, बॉल के जस्ट अपोजिट में तो काम करता है ना। जैसे बॉल मान लो हिट करके मेरे सामने आ रही हो और अगर हम उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरा जो काम होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। तो कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में जब काम करता है तो चाल रुक जाता है, यानी गति जो है चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन सेम डायरेक्शन में ही अगर काम करे तो गति और चाल बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु की गति को जब आप बढ़ा देते हो सेम डायरेक्शन में तो चाल भी बढ़ जाती है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर हम लोग बता देते हैं, फिर से बोलो बता देते। जैसे मान लो सेम डायरेक्शन में मान लो कोई चीज चल रहा है, जैसे साइकिल आप चला रहे हो तो धीरे धीरे साइकिल चला रहे हो और फिर तेजी से बल लगाए तो फिर ये तेजी से चलेगा कि नहीं चलेगा, और स्पीड इसकी चाल बढ़ जाएगी। फिर अगर साइकिल चला रहे हो और इसके जस्ट अपोजिट काम कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के रोकने की काम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, तो आपकी स्पीड कम होगी कि क्या होगी? कम हो जाएगी। जस्ट अपोजिट काम कर रहे हो ना, तो ये दो कंडीशन को इन्होंने यहां समझाया है कि अगर बल समान दिशा में काम करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, लेकिन बल अगर विपरीत दिशा में काम करती है तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। वही गेंद अगर और जोर से हिट किया जाता, अगर कोई हिट कर रहा है तो और तेजी से छक्का लगता, लेकिन क्योंकि वो बेचारा रोकने का काम कर रहा है इसकी वजह से चाल कम हो जाती है। जितनी तेजी से बैट्समैन या बल्लेबाज बॉल को हिट करता है अगर कोई रोक दे तो उसकी बॉल की जो चाल है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो अपोजिट दिशा में काम करता है। पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा ध्यान से। मैंने एक बच्चे को एक दूसरे से रबर के टायर या किसी घेरे को धकेल करते चलाने की होड़ लगाते देखा। इस तरीके का खेल देखे होंगे बच्चों को तुम लोग। अब मैं समझ गया कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। अब ये तो बेचारा चला ही रहा है और इसको और तेजी से चलाता जाए तो इसका चाल और बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप उसके समान दिशा में काम कर रहे हो। टायर को तेज गति से चलाने के लिए हमें इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है, यानी कि एक ही दिशा में आप काम कर रहे हो लगातार। यहाँ पे दिखाया गया है, एक गेंद लीजिए तथा इसे 8.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। मान लो गेंद है और कोई अच्छी सी समतल सतह है, वहां पर धक्का देकर आप चलाओगे, ठीक है, तो वहां पर जो चलने का स्पीड रहेगा। अब चित्र 8.B में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। अब बीच में कोई चीज रख दोगे, मान लो ये गेंद इधर चाल से आराम से चल रही थी लेकिन बीच में अगर आप कुछ रख दिए तो फिर यहां से धक्का खा के इधर आने लगेगी या दूसरे डायरेक्शन में जाने लगेगी, ऐसी स्थिति बनेगी। और ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक और बल लगाएंगे, क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की जो दिशा है वही रहती है या बदल जाती है? बदल जाएगी। क्या उसी दिशा में गति करती रहती है जब हाथ लगाते हो तो? नहीं,
हाथ लगाते हो तो दिशा चेंज हो जाती है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद की पथ से पहले भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने ऑब्जर्वेशन में नोट करना है। ये जो गेंद है, जब समतल सतह से मान लो गेंद को आपने इधर से फेंका, मूव करते हुए आपने यहाँ पे स्केल लगा दिया, अब जब स्केल से बेचारा क्या कर रहे हो आप, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी गति को जो उसकी मोशन है, जो चाल से चल रही है गेंद, उसको आपने रोकने का प्रयास किया, उसको ट्रांसफर करने का। इसी तरीके से गोली क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। जब यहाँ पे स्केल लाके रख देते हैं तो गेंद की चाल यहाँ जितनी तेजी से ये चलती है, यहाँ टकरा के थोड़ा कम होती है और फिर यहाँ मूव करती करती यहाँ आके रुक जाती है, और वो धीरे धीरे रुकती है, एकाएक नहीं रुक जाती है। तो ऐसा सिचुएशन बनता है क्योंकि जितनी तेजी से फेंके हो उतनी धीरे उसकी गति को थोड़ा कम होने में टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा एकदम विराम की अवस्था में आने में टाइम तो लगेगा। ट्रेन भी जब चलाया जाता है तो देखोगे पहले उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है और फिर धीरे धीरे ज्यादा होती जाती है।